हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हमारा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो की एक न्यू थीम के बारे में, जिस थीम का नाम है iOS 13 ब्लैक थीम। क्या रहता है इसके फीचर्स, का क्या आप लोगों को उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड आप लोग को इस थीम में एक पासवर्ड देखने को मिलेगा जो कि इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इसलिए आप लोग का वीडियो पूरा देखना जरूरी, वरना आप लोग जो है इस थीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो किस टाइप से आप लोग डाउनलोड करेंगे, किस टाइप से अप्लाई करेंगे, सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड के बटन दबा के हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड बगल में बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। इंडिया वीडियो पसंद लाइक करना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें इस थीम के लुक्स के बारे में कि आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करें इसका बैटरी आइकन के, तो बैटरी आइकन पहले अलग टाइप का था एंड अब अलग टाइप का हो चुका है। वॉलपेपर आप लोगों का पूरा चेंज होता है और आप लोग के यहाँ पे जो एप्लीकेशन आइकन रहता है ये भी आप लोग का चेंज हो जाता है। उसके बाद बात करें इसका नोटिफिकेशन पैनल, तो गाइस नोटिफिकेशन पैनल आप लोग का बदला जाता है। उसके बाद सेटिंग की बात करें, सेटिंग भी आप लोग की पूरी यहाँ पे जो है तक चेंज यहाँ पे हो चुकी है। किसी भी ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग का पूरा नज़ारा यहाँ पे चेंज मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हैं iOS 11 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद बात करें इसका फ़ोन मैनेजर, तो गाइस फ़ोन मैनेजर में देख लेते हैं हम चेंज मिलता है कि नहीं। तो फ़ोन मैनेजर में आप लोग को बैकग्राउंड चेंज मिलता है, कीपैड चेंज मिलता है, सिम आइकॉन्स वगैरह चेंज मिल जाता है। उसके बाद वीडियो प्लेयर की बात करें, बहुत से लोगों की कमेंट्स भी आती है कि हमारा वीडियो प्लेयर भी चेंज होना चाहिए या फिर म्यूज़िक प्लेयर भी चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को वीडियो प्लेयर चेंज मिल जाता है। बात करें म्यूज़िक प्लेयर की, तो म्यूज़िक प्लेयर में भी आप लोग को यहाँ पे चेंजेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद फाइल मैनेजर की बात करेगा इस, तो फाइल मैनेजर में आप लोग का पूरा चेंज मिल जाता है। किसी भी फोल्डर पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर भी आप लोगों का नज़ारा यहाँ पर चेंज हो जाता है। उसके बाद बात करें इसका मैसेज के बारे में, तो मैसेज में आप लोग को बता दूं मैं कि मैसेज में भी यहाँ पे आप लोग को बदलाव देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद बात करें इसका लॉक स्क्रीन, तो गाइस लॉक स्क्रीन आप लोग का ज़्यादा कुछ अच्छा तो यहाँ पे नज़र नहीं आता है, बट आप लोग को ऊपर में जो है एप्पल का लोगो और नोटिफिकेशन जो रहता है यहाँ पे आप लोग का चेंज हो जाता है। एंड आप लोग वहाँ पे जो है अपना वॉलपेपर भी सेट यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे मुझे लगी। ओके फ्रेंड, ये तो हो गए फीचर्स के बारे में बात। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, किस टाइप से आप लोग यहाँ पे जो है थीम को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, थीम को डाउनलोड करने के लिए आप लोग को थीम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है थीम को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थीम आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ किस टाइप से आप लोग यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर पे, तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ऑल फाइल वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा, फ़ोन मैनेजर पर चले जाइएगा और उस लोकेशन पर आप लोग को चले जाना जहाँ पर आप लोगों ने जो है थीम की फाइल को डाउनलोड किया है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर मैं उस लोकेशन पर चले जाता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन में तीन वर्जन में अवेलेबल यहाँ पे थीम है। ओके फ्रेंड, और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैं ओप्पो का A37 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कोड लेगा V800, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन आ जाता है प्लीज़ इंटर पासवर्ड। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, इस थीम में आप लोग पासवर्ड देखने को मिल जाता है, तो पासवर्ड आप लोग डाल लीजिएगा RITIK ऋतिक टेक। ओके फ्रेंड, तो इस टाइप से आप लोग में पासवर्ड डाल लीजिएगा RITIK ऋतिक टेक, आप लोग हमें पासवर्ड डाल लीजिएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आप लोग को ये जो बैकग्राउंड है ब्लैक टाइप का दिख रहा है, तो आप लोग बैकग्राउंड अभी चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा RITIK TECH, मतलब ऋतिक टेक आप लोग को पासवर्ड डाल देना है बिना स्पेस का, और डी कंप्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आप लोग का एक नया फोल्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे ओके कर देता हूँ और फिर से मैं आप लोग को पासवर्ड बताना चाहूँगा ऋतिक टेक, इसका पासवर्ड है RITIK और TECH। ओके फ्रेंड, ऋतिक टेक इसका पासवर्ड है, मैं आप लोग को फिर से बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डीकम्प्रेसिंग हो रही हमारी थीम और यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मतलब 100% होने तक यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक नया फोल्डर ओपन हो चुका है जिसका नाम है iOS 13 V800, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप लोग को थीम का ऑप्शन आ जाता है, मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली से अप्लाई कर सकता हूँ। ओके फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस टाइप का अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है, अप्लाई का ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जो है मैं डायरेक्टली थीम को अप्लाई कर सकता हूँ। ओके फिर एंड आप लोग को जो कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस थीम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो वीडियो कमेंट करना बोले हम उस पर वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो जय माता दी।